हे गाइस, फाइनली ग्रुप लीग स्टेज खत्म हो गया पीएमडब्ल्यू के, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल इंडियन टीम्स फॉर क्वालिफाइंग एक्सेप्ट नोवागार्ड। लाइक गाइस, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप वापस से धमाकेदार परफॉर्मेंस देना, बी बिलीव इन यू। बट जीजीस टू ओआर टीएसएम मेगा स्टार सेल्स सारी टीम को। बट सबसे धांसू चीज इसमें ये हुई ना भाई, आप लोगों ने गौर करी हो या नहीं करी हो, ये एक तरह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की तरह रोमांचक था, और एक मैच भी था, क्योंकि जैसे कि मैं स्टैंडिंग्स दिखाता हूँ, आप देखो फ्री स्टाइल पाकिस्तान की टीम है जो ऑलरेडी टॉप 16 में थी, और टीम आईएनडी को टॉप 16 में आने के लिए उनके ऊपर आना था, उनके पास सिर्फ एक मैच बचा हुआ था, और टीम आईएनडी ने इस मैच में कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, और फ्री स्टाइल को टॉप 16 से बाहर निकाल दिया। भाई मजा आ गया यार, यही एक्सपेक्टेड था भाई, पाकिस्तान को भाई बिना मैच खेले ही अपन ने हरा दिया। और भाई अब पाकिस्तान के खेमे में क्या पता क्या हो रहा है, मेरे हिसाब से तो मेरे को लग रहा है वो जैसे टीवी फोड़ते थे, इस बार शायद मोबाइल फोड़ रहे होंगे। तो भाई वो मोमेंट बन, मैं आप सारे व्यूअर्स के साथ देखना चाहता हूँ कैसा लगा भाई टीवी में। किंग ऑफ गेमर्स क्लब, और इसी के साथ सिनर्जी के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है, चिकन डिनर के काफी करीब जा चुके हैं। लुक एट द सर्कल, हमारे पास फिजिक स्कारलेट की स्क्वाड है, वेलनेस के प्लेयर्स सिनर्जी और आईएनडी यहां पर है। आईएनडी के लिए इंपॉर्टेंट गेम हो सकता है, सिनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। वेलनेस के गॉड आर्ट अकेले बचे, आरसीएस के दो प्लेयर्स बचे, ये गेम फिर से कोई इंडियन टीम अपने हाथ में लेकर आ सकती है। यूरेली के पास स्प्रेज आते हुए वहां ग्रेनेड आईएनडी 420 का जाता है, यूरेली को पिकअप कर चुके हैं, 420 आगे मूव कर रहे हैं, काफी बेहतरीन यहां पर मूवमेंट रह सकता है, देखते हैं वॉक कितना आगे जाती है। लेकर जाते हुए जरूर किया है, 420 ओपी आगे जाना चाहेंगे, स्नैक्स यहाँ पर रिवाइवल दे रहे हैं, ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट, बट सिनर्जी के प्लेयर स्मोक करके आगे मूव करना चाहेंगे। यस बिल्कुल करना चाहेंगे, और इसी के साथ जो बाकी टीम्स है वेल्डस गेमिंग को छोड़ के सारे टीम्स यहाँ पे जुलज रहे थे टॉप 16 में, फाइट आउट कर रहे थे, और एक अच्छा खासा यहाँ पे पोजीशनिंग पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल सकती है इन तीनों टीम से। रिजेक्ट स्कारलेट भी खतरे के दायरे में थी, और ये एक अच्छा प्रदर्शन शायद उनको बचा सके, बट देखना पड़ेगा। डुएलो अभी भी फाइट आउट कर रहे, तीन प्लेयर सिनर्जी के आने वाले, दो प्लेयर्स को आगे भेजना चाहिए, एक प्लेयर को पीछे रखना चाहिए, बट इसी के साथ स्नैक पुश इन करते हुए गॉड आर्ट को फिनिश करेंगे, इसी के साथ वाइल्डर्स भी मर्डर एलिमिनेट होते हुए, बट डुएलो भी फिनिश हो चुके टीम आईएनडी के द्वारा, दूसरा यहाँ पे स्क्वाड वाइप करते हुए टीम आईएनडी। फाइनल सर्कल फाइट, दो टीमें बची है, सिनर्जी वर्सेस टीम आईएनडी, क्या लगता है ओशन, हु इज गोइंग टू ब्रिंग इट होम? नाम यहाँ पे सिनर्जी का काफी ऊपर आ सकता है, बट देन आईएनडी को आगे मूवमेंट जरूर करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं सिनर्जी के तीनों प्लेयर्स अच्छी हेल्प है, स्लेयर पीछे डाउन हो रखे, आईएनडी नीड्स टू डू समथिंग आउट ऑफ द इम्पॉसिबल बॉक्स। 420 अपने एक प्लेयर को स्पॉट जोड़ के टेक्स हिम डाउन, बट यहाँ पर आईएनडी 420 भी डाउन हो चुका है, अब एक ही प्लेयर आईएनडी करेगा स्नैक्स यहाँ पर अपनी फाइट निकालने के लिए, बट सिनर्जी गेट्स दैट चिकन डिनर इन वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव वेज एवर पॉसिबल। अपने लिए अपनी प्राइड रखी, एंड जो चीज पहले हल्की सी रह रही थी वो यहां पर चिकन डिनर की फॉर्म में लेकर आए सिनर्जी। जी बिल्कुल, जोन